हे गाइस, वेलकम बैक विद गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के व्लॉग के बारे में, जिसके ऊपर इनकम आएगी फर्स्ट इनकम ससुराल वालों के। देन थोड़ा सा शुएब के व्लॉग में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है। अच्छा जी, सबसे पहले ना मुझे एक चीज़ पर हंसी आ रही थी, मतलब इन लोगों को अगर घर वालों को टाइम भी देना है ना, तो इनको शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। अब देख लो, जब ये व्लॉग शुरू होता है वहाँ पर कहते हैं अम्मी पापा के जाने की तैयारी हो गई है, वो जाने वाले हैं बहुत जल्द, और हम इनको लास्ट लास्ट में टाइम नहीं दे पाए, इसलिए हम इनको शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं, इसलिए हम इनको करीब के मार्केट में लेके जा रहे हैं। मतलब घर में रह के टाइम नहीं देने का होता, जाना भी है, टाइम भी देना है, तो वो भी शॉपिंग के थ्रू ही देना है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ से बाहर है ना, कि मतलब कि ये भी जो है टाइम भी देना है, तो वो शॉपिंग के थ्रू ही टाइम देना है। इवन घर में रहकर टंगड़ी घर में नहीं रहेगी, टंगड़ी बाहर जाएगी तो ही टाइम देंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। और फिर इनको बोलो तो फिर आ जाते हैं कि सारे जो अनभक्त होते ना, वो तुम्हारे पास हो कि तुम जेलस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब क्या दिखा रहे हो। अगर आपको अपने घर वालों को टाइम देना है, तो आप इनको उठाओ और शॉपिंग के लिए लेके जाओ, तो वो टाइम कहलाएगा। अगर आप इनको घर में बैठ के इनको टाइम दोगे, घर में बैठ के इनसे बात करोगे, घर में वक्त गुजारोगे, वो टाइम में कैलकुलेट नहीं होता है। आपको उनको उठा के शॉपिंग करने के लिए लेके जाना है, तो वो टाइम में कैलकुलेट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी ब्लॉग में जो है इसने बताया कि अम्मा की तबीयत, जो कि इसकी सास है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उसको लेके हॉस्पिटल जाती है। वापसी में उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पेट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है और उनको इंजेक्शन वगैरह, हम सबको पता है रिसेंट दिनों इसकी सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और वो कुछ ना कुछ कभी डाढ़ के दर्द में कभी कुछ इशू चल ही रहा है। अब वो मौदहा चले जाएंगे जहाँ आसपास इनके कुछ भी नहीं होता। मैं यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा, मतलब कि क्या ऐसा मसला है कि वो यहाँ पर आके कंटिन्यूसली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, या मौदहा। चलो ठीक है, वो लोग, मैंने हमेशा कहा है कि बच्चे शायद शहर में ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर पाते हैं, इसीलिए उनको शहर में रहने की ज़्यादा चाह होती है। देखो, एक तरीके से अगर सबा के काम पर देखा जाए, अब काफ़ी लोग बोलते हैं इसने रेस्टोरेंट इसलिए ओपन करवा के दिया ताकि सनी भी जो है यहीं का रहे, ये सब कुछ। लेकिन चलो, मैं मानती हूँ इसने जो भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका काम अगर देख लो तो वो मुंबई में ज़्यादा अच्छे से होता है बनिस्बत मौदहा में, क्योंकि इसका जो काम है कॉलैब्स और सब कुछ, ये सब कुछ आप एक शहर में ज़्यादा इजीली कर सकते हो बनिस्बत एक गांव में रहते हुए। तो आई एग्री कर, लेकिन यहाँ पर फिर थोड़ा सा माँ बाप को मोल्ड हो जाना चाहिए। उनको पता है कि यार चलो बच्चे जो है वो अब हम यहाँ पर टोटली शिफ्ट हो जाते हैं, हम अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, अब जो ज़मीनें वगैरह हैं वो सब जो भी होता है, क्योंकि अब जब आगे होता है ना, तो फिर वो नौकरों के हवाले कर दी जाती है, लोगों के हवाले कर दी जाती है कि आप लोग देखभाल करो उसकी, आप ठेके पे जो जिस तरीके से दे दी जाती है ज़मीन, तो वो सब भी हो सकता है अगर मैनेज करना चाहे, तो वो यहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता। मतलब जिस, मैं ये सोच रही थी, मैं इसकी सास को रखकर सोच रही थी कि उनकी तबीयत आए दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है ना, कभी अचानक डाढ़ में पेन हो रहा है तो अचानक भागना पड़ रहा है, कभी एक्सरे, अभी देख लो पेट का दर्द हुआ तो वो अचानक भागना पड़ा, तो वो वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इसके अब्बू की भी जान इतनी नहीं है, और आई थिंक उनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, ये भी मैंने नोट किया इनके ब्लॉग्स में, कि वो सही से सुन भी नहीं पाते, तो वो वहाँ पर अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये तो यहीं पर होते हैं, ये तो अगर जाते भी हैं तो महीने डेढ़ महीने में 4-5 दिन के लिए जाते हैं, 4-5 दिन में ही भाग आते हैं। वहाँ भी ये बेटी खाला के घर आना जाना इसका चलता रहता है, मतलब वहाँ भी अगर ये 4-5 दिनों के लिए भी जाती रहती है, तो इसको ये होता है हर दूसरे दिन इसका व्लॉग में होता है कि हम जो है वो बेटी खाला के घर जा रहे हैं, बेटी खाला के घर आ गई हूँ मैं, 3-4 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे मुसलसल बेटी खाला घर। मतलब अभी भी जब ये, इसको पता है कि इसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है और वो आती है उनको लेकर, वो पीछे से दवाई वगैरह दिलवा कर आती है उनको ऊपर छोड़कर, यानी यहाँ भी इसने मौदहा वाला सीन ही रखा हुआ है, ये आती है उनकी, इनके जो भी इनके जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो करती है, उसके बाद ये जो है नीचे आगे बढ़ जाती है। आप तकरीबन इसके ब्लॉग्स में देखो आजकल नीचे ज़्यादा ही नज़र आ रही है, वरना तो ऊपर सब होते थे, तकरीबन ऊपर खाना पीना ज़्यादा होना शुरू हो गया था, लेकिन जब से इसके सास ससुर आए तब से वो ऊपर अकेले रहते हैं, रुखसाना बाजी के साथ इन्होंने इसको अकेले छोड़ दिया इसने, और ये ज़्यादातर नीचे ही पाई जाती है रिजा रेहान के साथ और सबके साथ। अभी भी देख लो केक वगैरह का जो भी है वो नीचे आ गई कि मुझे लो फील हो रहा है इसलिए मैं नीचे आ गई, ये मुझे समझ में, मतलब लो फील हो रहा होता है तो अपने बेड पे आराम नहीं होता, मतलब पीछे आना होता है, मतलब कंटेंट किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, लो फील हो रहा है कुछ भी हो रहा है, व्लॉग्स बनने चाहिए, व्लॉग्स नहीं रुकने चाहिए बाबा। मतलब इन व्लॉगर्स की लाइफ को अलग ही हाल है, अलग ही लेवल है, ठीक है ना। देखो कुछ चीज़ें इसके व्लॉग्स में अच्छी भी होती है, जिस पर हमने कल भी डिस्कस किया, आज भी कुछ चीज़ें अच्छी थी, जिसमें मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा कि चलो रिजा को एक तरफ तो इसने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको वाकई अगर ये एक ऑर्डर की तरह देगी तो चलो अच्छी बात है कि चलो कुछ तो करेगी, लेकिन अगर ये ऑर्डर नहीं है, ये उसको काम की तरह ही घसीटी रही है, बंधवा मजदूर बना दिया उसको और कुछ भी नहीं है, मतलब उस बच्ची को लेकर हर तरीके से घसीटती रहती। और फिर एक थैंकफुल वाला भी मैंने कभी भी नेचर नहीं देखा उसको लेकर, हमेशा एक बड़ी बहन तो चलो ठीक है हम बड़ी बहनों की तरह वो डील कर रही है हर चीज़ें, लेकिन हर वक्त रिजा को जो है वो डिग्रेड करना, अपने व्लॉग्स के थ्रू जो है वो सिर्फ जलालत देना, वो मैंने हमेशा देखा है कि व्लॉग्स में हमेशा जो है वो रिजा
कहीं ना कहीं जलील ही हो रही होती है, किसी ना किसी बात पर वो ट्रोल ही हो रही होती है, ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट्स भाई व्लॉग से तुम शेयर कर रहे हो, और तुम्हें अब तक अच्छे से अंदाजा हो जाना चाहिए 4 साल में कौन से पॉइंट से कहाँ तुम जलील होने वाली हो, कहाँ रिजा जलील होने वाली हो, पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से समझ आ जाने चाहिए, तुम फिर भी ऐड कर देती हो। एक तरफ मुझे लग रहा होता है कि चलो ये रिजा के शौक हैं, रिजा बहुत शौक से केक वगैरह बना रही है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उस पर थोप दो। अगर तुम चाहो तो ये बाहर से तुम पेस्ट्रीज वगैरह ऑर्डर कर सकती हो अपने, तुम उसको इतना ज़्यादा प्रेशर कर रही हो, वो पढ़ाई कब करेगी अगर वो इन सब चीज़ों में लग जाएगी। एक जो शौक है चलो वो कभी कभार घर में शौक पूरे कर रही है वो ठीक है, उसको अगर ये बाहर उसको काम अगर बढ़ाना है तो समझ में आता है कि जहाँ इसको इस काम पर रहना ही है, वो एक समझ में आता है कि चलो तुमने इसने काम शुरू किया है तो उस काम को उसने बढ़ाने के लिए अपना ऑर्डर उसको शॉप का ऑर्डर दिया, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसने अभी कोई काम शुरू किया नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है, वो अभी नॉर्मल पढ़ाई वाली जिंदगी गुजार रही है, ना इसने किसी किस्म का कभी अलाउ वो किया, अनाउंस किया कि मैं जो है ये काम करूंगी, मैं अब बेकिंग करूंगी, मैं अब बेकिंग के ऑर्डर दूंगी, इसने इस किस्म का कभी कोई कुछ भी नहीं कहा है। यानी वो नॉर्मल घर की शौकी अब बेकिंग करती है, उसमें उसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर यानी अच्छा खासा प्रेशर उसके ऊपर डाल देना कि चलो हमारे जो है वो रेस्टोरेंट के लिए तैयार, तुम ये चाहो तो बाहर से भी कर सकती हो। यहाँ पे तुमने इस बात को ये कह के कवर अप कर दिया कि हम उसको पैसे दे देंगे, लेकिन उसकी इतनी मेहनत करवा रहे हो, देन उसकी पढ़ाई का इतना ज़्यादा खर्च होता जा रहा है। हमने तकरीबन 4 दिन के मुसलसल ब्लॉग्स देख लो जहाँ पर इसकी पढ़ाई जो है वो खर्च होती हुई नजर आ ही रही है। मैं एक बात सोचती हूँ, इसके माँ बाप ने यहाँ पर उसको क्यों भेजा था, इसीलिए भेजा था ना ताकि ये अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छा सब कुछ सीख सके। जब इसकी पढ़ाई जिस बेस पे भेजा है वो बेस ही उसकी खराब हुई हुई है, वो बेस उसकी बन ही नहीं पा रही सबा के हाथों, तो फिर इन्होंने रखा क्यों है? ये एक बोलना बेकार है कि इनके पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था। यार बहुत सारे लोग होते, मुझे बताओ जिनके पास पैसे नहीं होते क्या वो बच्चों को अपने मार देते हैं? नहीं मारते ना, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सर तोड़ मेहनत करते हैं, सर तोड़ के नहीं, मेरे बच्चे हमारे पास रहकर मेहनत करें। इनके माँ बाप भी बिल्कुल साइड में हो गए, मतलब किसी किस्म का, मतलब जब अगर आते हैं, अगर नॉर्मल बंदा हो जो नहीं जानता हो कि ये किसके बच्चे हैं क्या है कुछ नहीं, अगर नॉर्मल बंदा इनके ब्लॉग्स देखे जब बेटी खाला आई हुई होती, कोई नहीं कहेगा कि बेटी खाला इनकी माँ है, फिर हमेशा यही इनको भी यही फील होगा कि बेटी खाला इनकी खाला की तरह ही है, क्योंकि वो ट्रीट उनको ऐसे ही करती है और वो भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कमाया है, उसके माँ बाप ने कैसे, मैं ये सोचती हूँ उसके माँ बाप ने कैसे अपने बच्चों को खोने दिया, फ्यूचर के नाम पर कैसे खोने दिया? ठीक है, अगर फ्यूचर एक बहुत बात में जाकर होता है कि हाँ चलो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए सब कुछ, लेकिन फिर भी वो माँ बाप से अटैच होते हैं, यहाँ पे तो माँ बाप से अटैचमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। बाप जो इतने सालों बाद आया है उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। देखो वो यहाँ पर एंजॉय करा, उन्होंने अपनी छुट्टियाँ यहाँ पे एंजॉय की, जबकि दादी की डेथ का तो न्यूज़ ही नहीं आई, वो तो गायब ही कर दी इसने, वो तो बताया ही नहीं क्योंकि पता था लोगों ने ट्रोल करना था, अगर दादी की न्यूज़ देखो वो गायब ही कर दी। तो मतलब ये सब कुछ नहीं दिखता लोगों को, जब हम ये सारी बातें बता रहे होते तो लोग बोलते तुम जेलस हो, ये इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं ये नहीं दिखता। अभी देख लो वो सारा सरोज ने क्या किया, एक रील जो कि उसने अपने आप को गेट रेडी विथ मी वाले रील में उसने इतना सेंसिटिव मामला उसने इनसेंसिटिव रील्स के अंदर अपलोड कर दिया, मतलब ये क्या दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर, और इस पे आकर ये माफिया मांग रहे सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या फायदा? तुमने जो करना था तुम कर चुकी है ना, तुम्हारी सोच दिख चुकी कि तुम्हारी सोच क्या है, तुम इस सेंसिटिव मामले को भी अपने ही ब्लॉग्स के लिए अपने ही रील्स के लिए यूज कर रही हो, है ना। तुम्हें एक लोगों को आके अवेयरनेस नहीं देनी थी खाली बैठ के, तुमने अपना साथ में रील भी दिखानी थी ताकि तुम्हें लोग देखे, प्रोडक्ट्स देखे, तुम्हें उस टीम टाइम पे भी बैठ के जो है वो प्रोडक्ट्स दिखानी थी, ये सारी चीज़ें करनी थी। मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव मामला इस तरीके से इन्फ्लुएंसर ले लें जिनके अंदर कोई दिल नहीं। खैर भाई ये कृष्णा को पुपट बना के बैठा दिया, मतलब अपना कॉन्टेंट किसी भी तरीके से कॉन्टेंट पूरा नहीं हो रहा, बैठ के जो है वो चैलेंज शुरू कर दिया, वो चैलेंज 10-10 डब्बे बनाओ, मेरा काम भी हो रहा है, 10-10 डब्बे भी बन रहे हैं, चैलेंज भी हो रहा है, कॉन्टेंट के नाम पर कुछ भी करना है भाई, व्लॉग पूरा करना है, व्लॉग तो पूरा होना चाहिए क्योंकि व्लॉग में कुछ था नहीं खास, इसलिए व्लॉग किसी भी तरीके से बस खींचना है। अच्छा इस व्लॉग के अंदर एक क्लिप थी जहां पर मैंने ये देखा कि यार उसको इस व्लॉग में इससे पहले जब उसने चॉकलेट बनाई थी तब उसको कितना हाइजेनिक पे बात की गई थी कि अनहाइजेनिक तरीके से आपने बनाई है, और वहां पर लोगों ने सफाइयां भी दी थी कि अगर ये ऑर्डर बाहर से करते तो वहां पर और ज्यादा अनहाइजेनिक। तो मैंने ये कहा ना कि आंखों देखी मक्खी निकलना आसान नहीं होता, जबकि आप बिन देखे मक्खी निकल जाते हो फिर भी, हालांकि बाहर भी कोई सफाई वाली किसी चीज नहीं होती, ये बात हमें पता है। अगर वो बाहर भी ऑर्डर करती तो कोई सफाई वाली आइटम उसको बाहर भी ना मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप घर में भी बना रहे हो तो आप गंदा ही खिलाओ, क्योंकि आपने तो बाहर का भी अगर खाओगे तो आप गंदा ही खाओगे ना, ये तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं, क्योंकि आपने तो वैसे ही रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है। जो आप अपने घर में सफाई नहीं रख पा रहे हो वो कैसे डील हो सकता है कि आपके रेस्टोरेंट में भी हाइजेनिक खाना मिल सकता है? मतलब आप तो ये कह रहे हो ना कि हमारे रेस्टोरेंट में हाइजीन पूरा मेंटेन है, ये है वो है, यानी आप घर में मेंटेन नहीं कर पा रहे जहां इतने छोटे से आपने मतलब के
चॉकलेट्स बनाए, एक छोटा सा है ना, अगर रेस्टोरेंट के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत छोटा सा काम किया था, तो वहां आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि इनके रेस्टोरेंट में आपको हाइजीन मिलेगी, जो कि ये दावा कर रहे हैं, ठीक है, दावा कर रहे हैं कि हाइजीन मेंटेन मिलेगी। हाइजीन मुझे कहीं भी नहीं लगता, बहुत कम रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पर आपको हाइजीन मेंटेन मिलेगी, वरना बाहर का खाना हमेशा अनहाइजीनिक होता है। ऐसे ही थोड़ी बोलते बाहर का खाना गंदा होता है, ये वो ऐसे ही नहीं बोलते ना, क्योंकि होता है, वो वाकई इतने गंदे तरीके से बनाया जा रहा होता है। अभी इन्होंने रिसेंट, अभी ये जो पेस्ट्री वाला सीन किया, ये जो केक बनाया इन्होंने, केक बनाया, उस केक को भी देख लो, पेस्ट्री हर कोई हाथ में लेके उठा के उसको क्रीम लगा रहा है। अरे बाबा, ग्लव्स ही पहन लो। अब यहाँ पर ग्लव्स का क्या मसला है? यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है ना, चलो उधर बहानाबाजी कर दी थी कि चॉकलेट्स बाद में ग्लव्स में भी तो लग जाती नहीं, तो यहाँ पे कौन सा बहानेबाजी थी जो तुमने नहीं की? यहाँ पे तो ग्लव्स पहन के काम हो सकता था। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा ये काम करने ही क्यों है, मतलब उसकी पढ़ाई हटा के तुमने उसको इन सब चीज़ों में लगा दी है, मतलब उसकी पढ़ाई को बिल्कुल हटा डाला, तुमने पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म कर दी है कि पढ़ाई जरूरी नहीं, सिर्फ इंग्लिश सीखना जरूरी है, बस इंग्लिश सिखा दूंगी मैं उसको, इंग्लिश सीख जाएगी तो वो जीत जाएगी, पढ़ाई भी जरूरी है, मार धाड़ के धक्का मार के जितना भी। और भाई उसने ये मेन मोटिव इसका यहाँ आने का तो यही है ना कि पढ़ाई करनी है, यहाँ मेन मोटिव उसका ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी जो है वो रखवाली करनी है। ये इतना ज्यादा रिजा को यूज करती है। एक व्लॉग आया था जो कि हमने बहुत पुराना व्लॉग देखा था, जब ये लोनावला गए थे, वहां पर एक बिस्किट वाला क्लिप है जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है, जहां पर रिजा इसको बिस्किट खोल के तोड़ के दे रही है, वो भी बिस्किट खोल के और उसको हाथ में दे रही है, वहां पर पेश कर रही है बिस्किट, वो क्लिप इसका इतना मशहूर हुआ है कि यानी रिजा को किस तरीके से ट्रीट करती है ये देखो, यानी ऐसे कौन ट्रीट करता है, नॉर्मली भाई बहनों को ऐसे कौन ट्रीट करता है? कोई भी ट्रीट नहीं करता इस तरीके से कि बिस्किट खोल के आगे पेश किया जाए महारानी के, कि ये लो महारानी बिस्किट खोल के दिया तुम खा लो, मतलब इतना तो कोई बच्चा नहीं हो सकता ना उससे बिस्किट भी ना खुले, ये तो कोई नहीं ना, वो तुमसे ज्यादा छोटी बच्ची है, मतलब एक तरफ अगर अपने मतलब पे देखो, उसका केक वेक सब सही बन गया। रिसेंट कुछ टाइम पहले इसने केक बनाया था जिसपे मेहर की और इन सबकी मगजमारी भी हुई थी, कि मेहर ने जो ना कहा था ऐसा केक बनाया, ये बनाया, इस पर आपको याद होगा कि इस पर भी एक जो है पूरा पीरियड चला था जहां पर रिजा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था और रिजा को बार बार जाता कि बेफजूल में इतना ज्यादा वेस्ट करती है, क्योंकि इसने कभी भी उसके केक की तारीफ इस तरीके से नहीं की कि उसका केक बहुत अच्छा है, इसने हमेशा कहा है केक में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जब तुम्हें पता ही है एक प्रोफेशनल बेकिंग नहीं, प्रोफेशनल बेकर नहीं है ये, बेकिंग टूल्स इसके पास प्रॉपर नहीं है, बेकिंग इसके पास सहूलतें नहीं है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है बेकिंग की जो एक प्रॉपर बेकर के पास होती है, तो तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसको कैसे देती? अपना काम है तो उल्लू सीधा कर लिया, वरना तुम उसकी बुराइयां करती फिरती हो कि ऐसा बनाती वैसा बनाती, तो यहां पर कौन दोगला है ये आपको पता चल गया होगा, मतलब या तो रिजा बहुत अच्छा ही बनाती है ये व्लॉग में सिर्फ झूठ बोलती है, या तो रिजा इतना बेकार बनाती है वो वैसे ही इतना खाना जाया करती है, लेकिन इसको अपने पैसे बचाने थे, कुछ पैसे बचाने थे, इसलिए इसने जो है वो यहाँ पर सिर्फ सामान कर लिया और सामान ला के इसने दे दिया और इसने बना दिया केक। कुछ तो सीन है ना, कुछ तो झोल है यहाँ पर, हम सबको पता है, क्योंकि दोनों कहानियां इन्हीं के व्लॉग से, हमने तो अपने उससे नहीं बनाया, जहां पर ये एक तरफ रिजा के केक को इतना बुरा बोलती है कि रिजा का केक ऐसा, रिजा का केक कैसा, कट नीरा, रेहान ने भी मजाक उड़ाया था आड़ी लेकर आओ आड़ी, ये सब कुछ हमको याद है ना, ये सब कुछ इनके ही व्लॉग्स में आया, हमने तो नहीं दिखाया। तो फिर अब वो केक सही हो गए, अब पूरी की पूरी पेस्ट्रियां उतारी गई, कैसे उतारी गई इतनी परफेक्ट पेस्ट्रियां, देखो परफेक्ट पेस्ट्री शक्ल से तो नजर आ रही है वो, ठीक है, परफेक्ट पेस्ट्री वाला उसको शक्ल से नजर आ रहा है, तो ये पॉइंट्स इन्हीं के व्लॉग्स में। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बहुत अजीब लगी इसके व्लॉग में, ये रील बनाने के लिए जो गई थी, जो इसने रील अपलोड की थी इंस्टाग्राम पर, मतलब तुम सिर्फ इंस्टाग्राम पर आवाज उठाओगी, मतलब तुम ये आवाज व्लॉग्स में नहीं उठाओगी। देखो मैं एज अ मुस्लिम, मुझे ये फील होता है कि आपको इंसानियत के लिए आवाज उठानी चाहिए। रिसेंट बांग्लादेश में भी हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो रहा हो लेकिन वो गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन फलस्तीन में भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इंसानियत का जहां जहां कत्ल हो रहा है वह गलत हो रहा है। अभी ये जो डॉक्टर वाला जो सीन हुआ है उसकी आवाज तुमने इंस्टाग्राम पे जाके उठा ली, लेकिन उस व्लॉग में नहीं उठाई जहां पर तुम ये रील बनाने जा रही थी, तुम वहां पे बोलती थी ना कि ये एक रील है, मैं इस टॉपिक पर बना रही हूँ रील, वहां पे भी तुमने पूरी तैयारी करके रील बनाई। अगर देखा जाए तो यहां पर इसने भी अपना ही सिक्का सीधा किया है, अपना ही जो है वो इसने इंडिपेंडेंस डे की भी रील अपलोड कर दी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे भी बात होती है ना कि इसने इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट किया, ये नहीं किया, वो किया, इसने वो भी कर दिया। यानी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के लिए भी आप रेडी होकर ये कैसे उठा सकते हो? मतलब अगर आपको आवाज उठानी है, आप सीधा आओ, बैठो और आवाज उठाओ, उसके बारे में बात करो। उसके बारे में बात करने के लिए भी आपको पूरा तैयार होना पड़ रहा है, आपको चूड़ियां पहननी पड़ी, मतलब सीरियसली यार, कुछ भी। मुझे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार रील इसने अपलोड की, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये कौन सा तरीका है? मतलब अगर हम सारा को इतना ट्रोल कर रहे हैं गेट रेडी विथ मी के लिए, इतना ज्यादा उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो ट्रोल तो आई थिंक इसको भी करना चाहिए, इसकी भी ये चीज गलत है कि उसने पूरी रेडी हुई है, मतलब इसने पूरा माइंड बनाया है, इसने सब कुछ लिखा किया, ठीक है स्क्रिप्ट बनाई, अच्छी बात है, और वो उसकी आवाज भी अच्छी थी, वॉइस भी अच्छी थी, बट उसमें ये पूरा का पूरा एक तरीके से उसको एक कॉन्टेंट की तरह लेना, ये मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया, ये कॉन्टेंट की तरह इन्होंने लिया गया। मुझे तो, मैंने तो अपना इवन ये वाली जो मैंने वीडियो भी बनाई थी ना, मैंने उसको मोनेटाइजेशन पर भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने
यहाँ का हमारा दिल ही नहीं चलेगा, जिगरा ही नहीं चलेगा जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है वहां पर हम जो है उसको मोनेटाइज कर दें, उस टॉपिक को भी मोनेटाइज करें। क्यों मोनेटाइज करना है, नहीं करना। और मैंने ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन देखे जिन्होंने इस टॉपिक पर बैठ के जरूर बात की है, पूरी वीडियो बनाई है, बैठ के बात की है, लेकिन मोनेटाइज नहीं किया है अपने अकाउंट को। लेकिन उसने इंस्टा पे जाकर पूरा रेडी हो गए यार, सीरियसली, मतलब मैचिंग की चूड़ियां लेने के लिए, जबकि तुम्हें शुरू से पता है कि तुम रील जो बनाने जा रही हो वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब मुझे थोड़ा सा भाई ये जिगरे वाला नहीं है, ये फिर दुनिया को दिखाने के लिए था कि पता है कि अगर मैं बात नहीं करूंगी तो दुनिया बात करेगी, दुनिया बोलेगी, इसीलिए दुनिया के प्रेशर में आके, लोगों को प्रेशर में आके इसने एक वीडियो बना दी है। बाकी इसको दिल से कोई किसी किस्म का दुख नहीं था, क्योंकि वो दुख इसका मुझे वीडियो में नजर नहीं आया, मैं सिर्फ वेट कर रही थी। पता है मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं वेट करने के बाद रिएक्शन देती हूँ, मुझे रिएक्शन मुझे उस वक्त भी देने का मूड हुआ था, मैंने सोचा कि मैं ये बात अपने वीडियो में बोलूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हो सकता है कि इसने व्लॉग में दुख दिखाया हो, वो थोड़ा सा सैड नजर आई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो रील बनने के बाद ही वहाँ पर उसका मूड चेंज दिखा हमको कि अब यहाँ से हम भाग भी सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम यहाँ से खाना खा के जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसके गम में जो है वो मर जाओ, लेकिन जब आप उस बात को, उस टॉपिक पे जब आप बात बना रहे हो, जब मैंने वो टॉपिक बनाया था ना, सीरियसली मैं कुछ देर तक डिस्टर्ब रही थी, यानी खाना पीना तो छोड़ो, मेरे डिस्टर्ब चल रहा था, मेरा माइंड मेरे जगह पे नहीं था, क्योंकि आप सोच के भी दहल जाते हो एक लड़की होते हुए, जब आपके पास खुद की बेटियां हैं तब आप सोच के भी दहल जाते हो कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, उसके माँ बाप को बोला गया कि उसने सुसाइड की है, मतलब सोचो क्या गुजर रही है उसके घर वालों के ऊपर और उन पर, और उस लड़की पे क्या गुजरी होगी। मैं तो सिर्फ वो सोच रही हूँ, चलो ठीक है वो तो सिर्फ एक मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त करे ना उस लड़की ने, तो मेंटली फिजिकली उसकी क्या धज्जियां उड़ाई गई होंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ ना, यहाँ पर एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि फेक रेप केसेस भी होते हैं, फेक ही होता है भाई, फेक होता है, लेकिन जो रियल हो रहा है उस पर तो सबसे पहले वो करो, इंसाफ करो, फेक को तुम देख लेना बाद में फेक को रो लेना, पहले जो रियल हो रहा है उस पर तो इंसाफ करो ना, उस पर तो करो, उसको तो सजा दो, उस पर तो कानून दो। और वही बात मुझे देखो शेप के व्लॉग में जिसने करना हो ना, मैंने हमेशा कहा है कि शुएब हमेशा मैच्योर्ड मुझे बिहेव लगता है, जिसने अगर आवाज़ उठानी हो ना उसने अपने व्लॉग के थ्रू आवाज़ उठाई, क्योंकि व्लॉग पर उसने आवाज़ उठा के बात करी, उसने कोई प्रॉपर तैयारी नहीं दिखाई, उसने प्रॉपर तैयार नहीं हुआ, वो प्रॉपर जाके उसने रील जगह नहीं निकाली, शूट नहीं किया, उसके बाद जाके उसने खाना नहीं खाया उस रील बनाने के बाद। सीरियसली आप दो तीन माइंड आपका दो तीन घंटे जो ना माइंड हिल जाता है उस वीडियो पे बात करते हुए भी, यानी जो चीज़ें सामने आ रही थी यार, वो एक जो बयान सामने आ रहा है वो सुना भी नहीं जा रहा और वो बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, सीरियसली सुनना भी दूर की बात है, बोलना भी नहीं है, और वो इस टॉपिक को लेकर उसके बाद वो इतने मजे से हंसते गाते जो है वो खाना खाने जा रही है, सीरियसली यार ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी किस्म का इंसानियत है। तुम्हें फिर बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तुमने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बात की है, तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें जो है ना फिर इस टॉपिक को छोड़ ही देना चाहिए था, तुम्हें एक स्टोरी शेयर करके तुम्हें हटा देना चाहिए था, तुमने एज एंजॉयमेंट पूरे सारे सीन किया है जो कि बहुत बुरी बात है। तुमने रील में तो बड़ा उदासी दिखाया जैसे तुम बहुत उदास हो, और तुमने उसके बाद क्या किया, तुम्हारे व्लॉग के अंदर नजर आया ना कि तुम वहां पर हंसते, यहाँ से हम चाहे तो भाग भी सकते हैं लेकिन हमने रील की जगह ली इसलिए हमको कुछ खाना पड़ेगा, चलो खाना, चलो ठीक है खाना खाना है, लेकिन ये कौन सा तरीका, मतलब एक तरफ तुमने 5 मिनट पहले वो रील शूट की है जिसमें तुमने वो बताया, उस लड़की का जिक्र किया जिसके साथ इतनी दिल दहलाने वाली हो ये, और 5 मिनट बाद ये कर रही, और उसके बाद अगर इनके बारे में कुछ बोल दो ना, अभी देखो मैं ये बोलूंगी ना, मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तुम ऐसी तुम वैसी, तुम्हें तो नजर, अरे भाई तुमको नजर नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, तुम लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो, कोई बोलता क्यों नहीं इस मामले में जाकर आवाज़ उठाकर, सहारा को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो ये किसने, इसने कौन सी सेंसिबल रील, मुझे सेंसिबल रील दिखी, लेकिन ब्लॉग में जाकर देखो वो सेंसिबल रील के पीछे उसकी हरकतें चेक करो, किधर की रील, कैसी रील, मतलब कि दुनिया को बताया जा रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए लाल दिखा दो चेहरा, लेकिन पीछे से तुम्हारा है वही जिंदगी, जिंदगी नहीं रुकती, आई एग्री किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन जिस वक्त वो काम करो उस वक्त तो थोड़ा सा एहसास होता है ना यार, ऐसा चेहरा उदास दिखता है आपका, आपका सीरियसली चेहरा उदास दिखता है। मैं वीडियो बनाने के बाद ना आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी अंदर की जो आत्मा आप कह लो ना वो हिल जाती है। एज ए इन्फ्लुएंसर आपका काम जरूर बनता है कि आप उसको बात करो उस टॉपिक पर, आवाज़ उठाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानियत, यानी सिर्फ और सिर्फ वो दुनिया के लिए आवाज़ उठ रही है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। बहरहाल मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, और मैंने जब ये व्लॉग के अंदर देखा ना तो मुझे ये बहुत चीज़ अजीब लगी, मेरे दिमाग पर जाके हिट हुई है, क्योंकि मैंने जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी ना तो मैं तो हिल गई थी सीरियसली, मैं तो 2 घंटे किसी को, मैंने उस दिन कोई दूसरी वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, उसके बाद जाकर मैंने कितनी देर बाद जाकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मेरी हिल गई थी, मेरा दिमाग हिल गया था, मतलब मैंने उस दिन जिस दिन सोचा था ना, आप मेरा देख लो उस दिन मेरी कोई वीडियो नहीं, मेरी वीडियो नेक्स्ट डे आई भी है, यानी मैंने जिस दिन ये सोचा था ना कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मतलब मुझे ये हो रहा था कि यार क्या हुआ है उस लड़की के साथ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, और फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट डे अपना दोबारा काम शुरू किया। और आज भी जब मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ ना, सीरियसली मेरा जो गूज बम्स है ना वो हो जाते हैं मुझे, वो कह नहीं यार ये क्या हुआ है,
तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो प्लीज़ यार एज ए इन्फ्लुएंसर आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसको सेंसिटिव टॉपिक को सेंसिटिव लो, अपनी मजाक मस्तियों में ना लो, अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए ना लो, अपनी व्यूज़ के लिए ना लो, चंद व्यूज़ के लिए ना लो, तो इस टॉपिक को सीरियस लो। पता है हमारे ना माशरे के अंदर की हकीकत है, हमें दूसरों का दुख लगता नहीं है जब तक हमारे ऊपर वो चीज़ ना बीते ना, हमें फील नहीं होती है, हम सिर्फ उस पर बात करके अपना फ़र्ज पूरा समझ लेते हैं कि बस हमने उस टॉपिक पर आवाज़ उठा ली ना, बस हमारा फ़र्ज ख़त्म हो गया है। मतलब ये हम समझते हैं, हम उस दुख को अपना दुख नहीं समझते, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी हुआ होता है, हमें थोड़ी फील होता है, हमें थोड़ी पता उस बच्ची के साथ क्या गुजरी, उस माँ बाप पे क्या गुजरी, हमें थोड़ी फील हो रहा है। फिर यही सारा सीन है ना, अजीब है भाई, बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। खैर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर शेयर कीजिएगा, और बाकी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो नीचे कमेंट डाउन कर देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।